क्या आप क्रिएटिव है, मेरा मतलब ये है कि आप कोई आर्टिस्टिक काम करते हो और आपको बिल्कुल बोर नहीं होता वो काम करते हुए। सोचिए अगर ऐसा कोई काम करते हुए आपका प्रोफेशन हो और जिसके बदले आपको पैसे भी मिले, जॉब मिले, और आपको वही करते करते आपके लाइफ में आप और ग्रो कर पाए, तो सोचिए कितना बढ़िया होगा, है ना। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ऐसा एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओके। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम बहुत सारे हमारे अराउंड जो चीज़ें देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो पोस्टर्स है, फ्लायर्स है, मार्केटिंग मटेरियल्स है, लोगो डिज़ाइंस है, तो एक लोगो देखकर ही हम एक ब्रांड को पहचानते हैं, है ना। तो और सारे जो मार्केटिंग मटेरियल्स रहते हैं वो जो बनाने का एक स्किल होता है उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। और एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू हम एक स्टोरी या एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से देखने वालों के माइंड में वो क्लियर छप जाते हैं। मैं और थोड़े एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे रेज्यूमे डिज़ाइन बनाना हो या फिर टी शर्ट बनाना हो, जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो डिज़ाइंस आते हैं, वो जो बिजनेस के बाहर जो हम बोर्ड्स देखते हैं और होर्डिंग्स डिज़ाइंस देखते हैं और कार्टून्स हैं, फिर एक प्रेजेंटेशंस जो हम देखते हैं जो हम बिजनेस पिच के लिए यूज़ करते हैं, और ये कैलेंडर डिज़ाइन है। आज हम व्हाट्सएप में लोगों को फेस्टिवल विशेस भेजते हैं, और होटल में जाते हैं मेन्यूज़ जो देखते हैं वो, और इनविटेशन डिज़ाइन, आजकल क्रिएटिव इनविटेशन डिज़ाइन है, जो अगर एक फेस्ट नहीं एक वेडिंग है तो लड़का लड़की का चेहरा यूज़ करके उसको क्रिएटिवली हम बनाते हैं, या फिर 3D आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बोलते हैं, जिसमें बिल्डिंग बनने से पहले कैसे दिखेगा उसका विजुअलाइजेशन होता है, जो रियल एस्टेट में उसका कन्वर्जन या सेल्स करने के लिए उसकी मदद होती है। फिर कार्टून्स जैसे मैंने पहले कहा, बुक कवर है, और आजकल व्हाट्सएप में हम क्रिएटिव स्टिकर्स भेजते हैं जिसकी वजह से एक ब्रांड के बारे में बेटर इन्फॉर्मेशन हम दे पाते हैं, और एग्जीबिशंस में हम ऐसे जो एडवर्टाइजर्स लगाते हैं वो, और स्टिकर डिज़ाइन जो हम बाइक्स के ऊपर लगाते हैं, और इवेंट में टिकट डिज़ाइन हो, जो एक हम ब्रांड का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम शॉप के अंदर लगाते हैं ताकि जो विजिटर्स हैं उनको अपने बारे में पता चल सके। वो ईमेल डिज़ाइंस, मतलब ईमेल्स भेज के हम लोगों को सेल्स कर पाए, तो उसको डिज़ाइनिंग करना भी एक स्किल है। प्रोडक्ट पैकेज डिज़ाइन, तो वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आता है। डिजिटल पेंटिंग, अगर आपका आर्ट बहुत अच्छा है तो आप डिजिटली लैपटॉप में पेंटिंग करके उसका बहुत हाई स्किल है। इसके फिल्मों में और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। स्केचेस, अगर आपका स्केच अच्छा है तो वो यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया, आजकल हम डिजिटल वर्ल्ड में जो भी हम फ़ोन में या अपने लैपटॉप में डिजिटल मीडिया में देखते हैं वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाता है, चाहे वो वीडियोस हो या फिर जो इमेजेस या एडवर्टाइजमेंट्स या मीम्स जो भी आप देखते हैं। तो इतना सारा स्कोप है एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको अपना एक प्रोफेशन, इसको एक प्रोफेशन बनाने की इच्छा रखते हैं, क्या आप इसी एक क्रिएटिव स्किल जो आपके पास है उसे कमाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के थ्रू हो या फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप खुद से आपके अराउंड जो बिजनेसेस हैं उनको अपना क्रिएटिव सर्विस देके, उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट या उनके लिए जो भी मार्केटिंग के लिए डिज़ाइनिंग की ज़रूरतें होती है वो बना के आप पैसे कमा सकते हैं, या फिर दोनों साथ में भी कर सकते हैं। मैंने ये खुद अपने लाइफ में किया है। मुझे अपने काम से बेहद प्यार है और मैं अंदर से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम काम जैसा नहीं लगता। ये एक स्पेशल मैसेज है उनके लिए जो क्रिएटिव लोग हैं, ना कि सिर्फ आर्टिस्टिक, क्रिएटिव जो सोचते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं, उनके लिए जो इसको एक अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं और इससे कमाना चाहते हैं, बट उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि ये कहाँ जाए और कहाँ से सीखे। कई लोग दूसरे शहर नहीं जा सकते हैं, तो उनको एक
अफोर्डेबल और एक वैल्यूएबल ट्रेनर की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसी ही किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ध्यान दीजिए। मेरा नाम रोश है और मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से और कम से कम टाइम में ये कैसे सीखना है और इसको एक अपना प्रोफेशन कैसे बनाना है वो सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद बहुत मेहनत से इसको सीखा है। तो मैंने एक ऐसा ट्रेनिंग मटेरियल बनाया है जिसकी वजह से आपको बहुत आसानी से ये सारा आजकल की दुनिया में ये अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो बहुत ध्यान से आगे सुनिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और जो दूसरे मल्टीमीडिया स्किल्स हैं उसके बारे में एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है और उससे आप कमा कैसे सकते हैं, ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, है ना। ये सारे पॉसिबिलिटीज है जिससे आप कमा सकते हैं। आप बिजनेसेस के सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट बना के उनको दे सकते हैं जो वो व्हाट्सएप में दूसरों को सर्कुलेट करके अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। उनका मार्केटिंग मटेरियल्स जैसे उनके जो फ्लायर्स है या पैम्पलेट्स है या उनके जो डिज़ाइंस है जिससे वो उनके कस्टमर्स को दिखा के उनको सेल्स बढ़ा सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशन मटेरियल्स है, कंटेंट है जैसे एक बिजनेस को अपने बारे में कैसे एक्सप्रेस करना है, दूसरों को कैसे बताना है वो पता नहीं रहता है तो उसके बारे में लिख कर देना रहता है, या फिर शॉर्ट वीडियोस बनाना रहता है जिससे वो वीडियोस देखकर उनको मदद होती है बेटर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है जो आप उनको करके दे सकते हो। इसके लिए कंपनीज हायर भी करते हैं फुल टाइम जॉब के लिए लोगों को, या फिर आप इंडिपेंडेंटली भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर उनको डिलीवर कर सकते हैं। सबसे छोटे से छोटे इंडिया में एक बिजनेस से लेके सबसे बड़े बिजनेस को भी ये एक विजिबिलिटी का एक रिक्वायरमेंट रहता है। उनको जितने ज़्यादा लोगों को वो विजिबल होते हैं उतना ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो अपना सेल्स बढ़ा सके। तो एक एवरेज सैलरी रहता है इस फील्ड में करीबन 20,000 से 50,000 रुपये शुरुआत में, बाद में अपने काम के हिसाब से वो बढ़ते जाता है। और एक फ्रीलांसर जो होता है, जैसे मैंने बताया, आप इंडिपेंडेंटली क्लाइंट्स को लेकर चाहे वो इंडिया से हो, इंडिया के बाहर से हो, आप इधर से ही बैठ के उनको डिलीवर कर सकते हैं। और आप जितने प्रोजेक्ट्स आप कर पाते हो, जितना आपका काम अच्छा है और आगे जाते जाते वो बढ़ते भी जाता है। तो एक रेंज है, शुरुआती में आप एक 20-25,000 से शुरुआत कर सकते हो और जैसा आपका स्किल बेटर होते जाता है, मैंने देखा है कि फ्रीलांसर्स 2.5 लाख तक भी कमाते हैं और कई तो उससे ज़्यादा भी कमाते हैं। मैं हमेशा कम नंबर ही बताता हूँ क्योंकि बड़े नंबर्स बता के कन्फ्यूजन नहीं करना है, छोटे नंबर से शुरुआत करना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ते जाना है। ये आप लिंक्डइन ये सारे पोर्टल्स में जाके स्टडी कर सकते हो, आपको रियल टाइम पता चलेगा कि इन सारे स्किल्स का रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आगे भी आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट एक चीज़ श्योर है, ये प्रैक्टिस, हार्डवर्क और क्लैरिटी से ही आएगा। जब तक आपको खुद क्लैरिटी नहीं आएगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज़ आप अच्छे से कर पाते हो और क्या चीज़ आपको डिलीवर करने से आपको बेटर इनकम होगी, बेटर जॉब मिलेगा, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। और जितना ज़्यादा क्लैरिटी आएगा उतना ही आप बड़े नंबर्स अचीव कर पाओगे अर्निंग के मैटर में। तो थोड़े इश्यूज़ है, चलो उसको हम एड्रेस कर लेते हैं। सोचिए एक सिचुएशन है जिसमें एक ग्रेजुएट है जो उसने कोई एक डिग्री की है, बट वो क्या, उसको जॉब नहीं मिलती है। जब उसको जॉब नहीं मिली तो वो क्या करता है, जाके ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेता है, बट कहीं एक दो टूल्स सीख लेता है और फिर आगे जॉब ढूंढने की कोशिश करता है, बट उसको फिर भी नहीं मिलती है। बट समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है, जो मैं आगे बताऊँगा। और एक सिचुएशन सोचिए जिसमें एक इंसान जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के क्लासेस लेता है, बट उसको क्लैरिटी नहीं थी कि वो एग्जैक्टली वो ख़त्म होने के बाद, वो क्लासेस ख़त्म होने के बाद जब वो काम शुरू करेगा वो काम कैसा रहेगा और उसकी लाइफ कैसे होगी। कई बार लोग सोचते हैं कि वो क्रिएटिव काम करना अच्छा रहेगा,
बट वो एक्चुअली जब करते हैं, जब बट उनको रियलाइज़ होता है कि वो उनको सूट नहीं होता है। तो ये एक ध्यान में रखिए, ये एक सिचुएशन है, एक केस स्टडी है। और एक सिचुएशन जिसमें एक लड़का क्या करता है, उसका और एक फ्रेंड जो बहुत क्रिएटिव है और अर्न कर सकता है और अर्न कर रहा है अपने क्रिएटिव और ग्राफिक डिज़ाइन स्किल से, उसको लगता है वाह ये कितना क्रिएटिव है और कितना कूल है, मैं भी कर लेता हूँ। बट वो जब एक्चुअली करने जाता है तब उसको वो सूट नहीं होता है और वो उतना अच्छा कर नहीं पाता है जितना उसका फ्रेंड कर रहा है। इसके पीछे एक रीज़न है और ये उसको बेटर अगर वर्कआउट होना था तो उनको बेटर एक रिसर्च करना था, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और एक सिचुएशन जिसमें एक लड़का जाके एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स लेता है जो बहुत महंगा है, और सोचा महंगा कोर्स करने से या महंगा क्लास लेने से उसको बेटर जॉब मिलेगी, और सोच रहा था कि शुरुआत से ही मुझे लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स देंगे। बट ऐसा नहीं होता है, आपको रियलिटी पहले चेक करना होगा। और एक सिचुएशन है जिसमें एक लड़की जो पूरा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डिग्री ही कर लेती है, ओके, बट वो ज्वाइन करने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि अरे ये ऐसा नहीं है जो जैसे मैंने सोचा था, सिर्फ दूर से ये अच्छा लग रहा था बट अभी मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो मैं अभी क्या करें, मैं अभी इसमें अटक गई हूँ तो मुझे 3 साल इसमें रह के ये ख़त्म करना होगा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। और एक सिचुएशन जिसमें किसी ने क्लासेस ख़त्म तो कर ली है कहीं से बट उसको जॉब नहीं मिल रही है, अभी उसको बहुत बुरा लग रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, हम आगे समझते हैं ये सब क्यों हो गया। प्रॉब्लम यह है कि थोड़े पॉइंट्स आपको क्लियरली समझने होंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मल्टीमीडिया इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्रीज जैसे नहीं है जिसमें पढ़ाई करके एग्ज़ाम देख के अच्छे मार्क्स के बेसिस पर आप जॉब ले सकते हैं। ये बहुत ही एक डायनामिक और प्रैक्टिकल फील्ड है। इस फील्ड में जो काम दिखता है वो बिकता है। ये डायरेक्ट आप एक स्किल सीखते हैं, डिज़ाइनिंग कैसे करना है सीखते हैं, जो भी मैंने दिखाया इधर ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये सीखना होगा कि ये डिज़ाइनिंग कैसे करना है, फिर उसके बाद डिज़ाइंस बना के रेडी रखना है और जो सामने वाला है आपका काम देखकर ही आपको काम देगा, ओके। तो ये बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है, इसमें पोटेंशियल तो बहुत है ही है, बट वही जीतते हैं जो जिनको खुद क्लैरिटी है कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या है। ऐसा नहीं है कि एक को जो स्ट्रेंथ है दूसरे का वो स्ट्रेंथ होना है। आप शायद सोशल मीडिया मटेरियल्स बनाने में अच्छे हो, दूसरा कोई है उसका स्केचिंग अच्छा है, तीसरा कोई है उसका कंटेंट अच्छा है, आपको ओवरऑल तो नॉलेज लेनी है, बट कोई एक स्ट्रेंथ जो आपको आप बहुत ही नेचुरली अच्छी तरीके से कर लेते हो उसको आपको फिगर आउट करना होगा। उसके बाद जो जिसको वो क्लैरिटी रहेगा और उसको एट द एंड जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा और जिसके हाथ में सैम्पल वर्क रहेंगे दूसरों को दिखाने के लिए, वो आखिर में जीत जाते हैं। सर्टिफिकेट्स इधर मैटर नहीं करते। सर्टिफिकेट्स या डिग्री इस फील्ड में शायद एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, आपको शायद इंटरव्यू चांस मिले, बट लास्ट में जो काम करता है वो आपका एक्सपीरियंस या आपका पोर्टफोलियो। एक्सपीरियंस मतलब सिर्फ जॉब एक्सपीरियंस नहीं, इंटर्नशिप भी हो सकता है। कई बार कई जगह पर हम जाकर सिर्फ काम सीखने के लिए उनके पास काम करते हैं बिना पेमेंट एक्सपेक्ट किए, क्योंकि उनके साथ जो काम करते हैं उसको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस बोला जाता है, और उसको जो हम मिलाकर अपने एक एक्सपीरियंस में डालते हैं उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो रहेगा उतना बेटर चांसेस है आपका बेटर जॉब या बेटर क्लाइंट्स मिलना। तो ये रियलिटी है। तो ज़्यादातर लोग ये बताते नहीं है, जो क्लासेस या इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं उनको बस एडमिशन्स चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखना ये रियलिटी है, और अगर आपको ये सूट होता है तभी ही आप आगे जाके प्रोसीड करके इस फील्ड में बहुत बढ़िया अचीव कर सकते हैं। एक ने कुछ अच्छा किया है तो उसका मतलब नहीं है दूसरा भी सेम कर सकता है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, आपको गाइडेंस लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी इसमें काम कर चुके हैं, इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, फिर उसके बाद ही कंप्लीट कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ ही आप आगे बढ़ के फिर आगे बढ़ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ कि ये करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने हैं ताकि आपके चांसेस आगे जाके सक्सेसफुल होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहे।
तो चलो आगे चल के इसका पोटेंशियल अंडरस्टैंड करते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें काम करने के लिए क्या क्या मेहनत लगेगी। तो आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, आप वेब डिज़ाइनर बन सकते हो। जो भी वेबसाइट्स आप देखते हैं, जो मैंने खुद का भी जो वेबसाइट बनाया है, तो ये बनाते वक्त भी मुझे अपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग स्किल यूज़ करके ही वो करना पड़ा। ये जो भी मेन्यू आप देख रहे हो, किस पेज पर कौन सा इमेज आएगा, क्या कंटेंट आएगा, सामने देखने वाले का जो यूज़र्स रहेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या रहेगा, वो सब जो है एक वेब डिज़ाइनिंग में ही आता है। तो आप एनिमेशंस बना सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं जिनको वीडियो तो बनाना आता है बट एडिटिंग करने के लिए टाइम नहीं रहता, आप उनका एडिटिंग कर सकते हो। UI UX डिज़ाइन, उसको यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन बोलते हैं, जिससे आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो वो कभी ना कभी किसी ने, एक UI UX डिज़ाइनर ने वो डिज़ाइन किया होगा, उसने ऐसा विजुअलाइज़ किया होगा कि आगे चल के ये ऐप ऐसा दिखना चाहिए और लोगों को इतना आसान होना चाहिए ये ऐप यूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद मल्टीमीडिया ट्रेनर, आप मतलब जो भी आप सिखा, जब भी एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद जब आप अच्छी तरीके से ये सीख जाओगे आप दूसरों को सिखा भी सकते हो। एक आर्ट डायरेक्टर और एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो ये सारे जो भी इधर हम मैंने पॉसिबिलिटीज़ लिखे हैं ये और भी ज़्यादा चांसेस है। अगर आप आपका आर्ट बहुत अच्छा है तो आप कार्टूनिस्ट बन सकते हो, आप इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट बन सकते हो। और मेरे हिसाब से मैक्सिमम एक पोटेंशियल जो है वो एक सोशल मीडिया मैनेजर में है। आजकल उन प्रोफेशनल का एक हाई डिमांड है जो एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि वो एक कोई इंसान जिसको एक कोई स्किल अगर आता है तो वो काम चल जाता था, बट आज अगर आपको आप कंटेंट भी बना सकते हो, प्लानिंग भी कर सकते हो, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो, सोशल मीडिया में डाल भी सकते हो, वो ज़्यादा लोगों तक रीच भी करा सकते हो, तो उनके लिए बहुत एक मैक्सिमम पोटेंशियल है अलॉन्ग विथ बाकी जो मैंने अपॉर्चुनिटीज़ बताए हैं। तो आज के ज़माने में जो इंटरनेट इतना पावरफुल हो चुका है, इतना ईजिली अवेलेबल है सबके लिए, राइट फ्रॉम बड़े सिटीज से लेके छोटे से छोटे विलेजेस में भी अवेलेबल है, और इस तो इससे अवेयरनेस बढ़ गया है, नीड बढ़ गया है डिजिटल एक मार्केटिंग का, जिसकी वजह से आर्टिस्ट का भी नीड, बेटर अच्छे आर्टिस्ट का रिक्वायरमेंट भी बढ़ चुका है। तो एक सिंपल और आजकल सिंपल और पावरफुल टूल्स भी आ चुके हैं, पहले बहुत कॉम्प्लेक्स टूल्स थे, आजकल वो भी आ चुके हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक नया टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पर काम और आसान होते जा रहा है, तो इसकी वजह से जो एक 10 साल पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे वो आज उभर चुके हैं, तो हमको इसका फ़ायदा उठाना है। तो एज अ ट्रेनर तो मैं इधर हूँ जो बहुत ही एक एक्सपीरियंस से इन सारी चीज़ों को सीख चुका हूँ, तो मैं ये सिखाने वाला हूँ। आप एक स्टूडेंट जो क्रिएटिव हो और एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के तलाश में हो, और एक बिज़नेस जिसके लिए एक अच्छा आर्टिस्ट चाहिए जो उनके बिज़नेस को बेटर मार्केटिंग करने के लिए, बेटर क्रिएटिवली प्रेजेंट करने के लिए उनकी मदद कर सकता हो, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा ग्रोथ मिल सके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका हमको आज की दुनिया में एक बहुत ही बेटर यूटिलाइजेशन करके एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना है। तो पहले ज़माने में ये होता था कि 3-4 साल का डिग्री करते हैं, बहुत सारा एफर्ट और टाइम लगाते हैं, घर वाले बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट फिर भी जॉब की गारंटी नहीं रहती है, तो और वो ज़बरदस्ती से आखिर में ऐसा कोई जॉब करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट या मन नहीं है, बट अभी ज़िम्मेदारी है तो करनी पड़ेगी। बट एक डिफरेंस है कि हमारे इस फील्ड में लर्निंग कर्व जो है, जो सीखने वाला टाइम है, वो एक मिनिमम टाइम में हम सीख सकते हैं। एक इसमें बुक से पढ़ना या एग्ज़ाम देना वो नहीं है, एक प्रैक्टिकल फील्ड है, और बिकॉज ये एक नया और उभरता हुआ फील्ड है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, और आपको सिर्फ एक जॉब की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स है वो लेके काम शुरू कर सकते हो, तो इसकी वजह से आपका जो सक्सेसफुल होना जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही कम टाइम और कॉस्ट में ये अचीव हो सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हो सकता है एक इंसान जॉब के साथ साथ एक सर्टिफिकेशन भी ले ले, तो ये भी एक सिचुएशन आपको अंडरस्टैंड करना होगा, और हो सकता है वो सर्टिफिकेशन के बेसिस पर वो होप कर रहा है कि उसको एक जॉब मिल जाए, बट जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था इस फील्ड में
सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको रिसर्च करनी होगी कि लास्ट में आपको क्या काम मिलेगा, आपका लाइफस्टाइल कैसे होगा, आप डेली क्या काम करोगे और उससे आपको कितना फ़ायदा होगा, क्या इनकम मिलेगा। तो जो रिसर्च नहीं करते हैं, सिर्फ रैंडमली जाकर अपना एक डिसीजन लेकर किसी एक स्किल अक्वायर करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आता है, फिर वो ब्लेम करते हैं कि ये मैंने क्या कर लिया। तो बहुत प्रॉपरली आपको रिसर्च करना होगा। मेरा एक इनपुट है आपके लिए कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे कि एग्जैक्टली आपको एट द एंड किस टाइप का काम मिलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया तो ये आपको जैसे ग्राफिक डिज़ाइंस बनाने हैं, या अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो सोशल मीडिया में जो आप जो शॉर्ट वीडियोस एक बिज़नेस का देखते हैं बिज़नेस प्रमोशंस के लिए, तो वो उसका भी मैंने मेरे वेबसाइट में आप आके चेक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट लगा रखा है। तो इस वेबसाइट में जो भी है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में डाल रखा है। तो इसमें आप अगर आके सोशल मीडिया वीडियोस का अगर प्लेलिस्ट देखते हो तो आपको एग्जांपल मिल जाएगा कि हाँ अच्छा आखिर में मैं मुझे ऐसी एबिलिटी मिलेगी जिससे मैं ऐसे टाइप के वीडियोस बना पाऊंगा, मैं ऐसे टाइप के ग्राफिक्स बना पाऊंगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो कमिंग बैक आपको फिर सवाल पूछने हैं ट्रेनर की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या इस ट्रेनर को खुद आता है या फिर ये सिर्फ ऐसे ही कोई क्लासेस बेच के कमाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसको खुद क्रेडिबिलिटी है चाहे एक्सपीरियंस है या नहीं है, वो आपको चेक करना होगा। तो ट्रेनर की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे सूट होता है या फिर मैं जस्ट ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको कोशिश कर रहा हूँ, वो तो एक्सपेरिमेंट करना कोई बुरी बात नहीं, बट एक्सपेरिमेंट शॉर्ट होनी चाहिए। अगर आप बहुत टाइम और पैसा लगाते हो और बाद में लगता है कि अरे यार ये मुझे सूट नहीं होता, तो डिसअपॉइंटमेंट आपको भी होगी, आपके परिवार को भी होगी और टाइम बहुत चला जाएगा, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको सूट आपको ये होता है या नहीं है, कई बार लोगों को लगता है कि वो क्रिएटिव है बट उनको एक्चुअली वो क्रिएटिव काम करने में बोर होता है, उनका एक्चुअली स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहता है, बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रहता है, अकाउंट्स में रहता है, उनको पहले लग रहा होता है कि वो बोरिंग है बट इधर आने के बाद पता चलता है कि उनका एक्चुअल इंटरेस्ट कुछ और है। तो आप बहुत एक थोरो स्टडी और सेल्फ रियलाइजेशन करना, बट अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना भी है एक शॉर्ट टाइम के लिए करना, जिसके लिए मेरे पास एक वर्कशॉप भी है, वो आप अगर चाहो तो अटेंड करके एक टेस्ट रन भी कर सकते हो। और कमिंग बैक, इंडस्ट्री कैसे वर्क होता है, इस इंडस्ट्री में काम कैसे चलता है, और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, ये काम करने से इनकम कितनी होगी, कहाँ जाके काम करना है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ है या कहीं दूसरे शहर को जाना पड़ता है, ये सब कुछ आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो आपको ये सवाल होगा कि अच्छा चलो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि ये कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग या जो भी ये क्रिएटिव स्किल है ये मैं मुझे सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। तो पहली बात तो आप फ्री में सब कुछ कर सकते हैं। अब YouTube जाके वीडियोस देखिए, ग्राफिक डिज़ाइंस, एनिमेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब कुछ आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा। एंड उसके बाद एक एक्सपर्ट या एक जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है किसी को भी आप अप्रोच करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद आप रिक्रूटर्स जो इस फील्ड में जॉब के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं उनको जाके उनका 5 मिनट्स टाइम लेकर पूछिए कि एग्जैक्टली आप क्या देखते हो इस फील्ड में जब आप हायर करते हो, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस फील्ड में प्रोफेशनल लाइफ होती कैसे है, पेमेंट कितना मिलता है, आप अगर शुरुआत कहाँ से करते हो और कुछ साल बाद कहाँ तक पहुँच सकते हो, सब कुछ आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर आपको एक छोटा कोई शॉर्ट टर्म क्लास अगर आप चाहो तो कुछ यूट्यूब पे से भी सीख सकते हो या कोई क्लास लेकर उसको एक्सपेरिमेंट करके आप टेस्ट रन करके बिना ज़्यादा टाइम या मनी इन्वेस्ट किए हुए आप ट्राई कर सकते हो, और जब आपको प्रॉपर क्लैरिटी आए तब आप आगे बढ़ के प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड कोर्स कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो। अगर आपको फ्री में बिना कोई चार्ज के जब भी कोई कन्फ्यूजन हो, अगर मेरे से गाइडेंस चाहिए तो मेरा ऐप है schoolofpassion.co.in पे भी जा सकते हो, या फिर rosh.one ये मेरा
लिंक है जिस पर बहुत मेरे सारे जो भी सर्विसेज है या सारे जो मेरा ऐप है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सब कुछ उधर डिटेल में दिया गया है। तो अगर आप इस लिंक पर जाते हो तो आपको मेरा डाउनलोड लिंक मिल जाएगा और आप डाउनलोड करके मेरे साथ चैट कर सकते हैं और मैं आपको डिटेल में आपका जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर दूंगा, ताकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिले और आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। और मेरा तो मिशन ही है कि लोगों को ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन दूँ, ताकि वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैंने मेहनत से और बहुत टाइम लेकर सीखा है, वो मैं डायरेक्टली आपके साथ शेयर कर पाऊँ, जिससे आपका टाइम और एफर्ट सेव हो पाए। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो आप फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हैं। मैंने खुद यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है और मैं यूट्यूब का बहुत आभारी हूँ। बट एक प्रॉब्लम यह है कि जो कोई ऑलरेडी इस फील्ड में प्रोफेशनल्स है, उनको थोड़ी बहुत जब ज़रूरत पड़ती है वो डायरेक्टली यूट्यूब से अगर सीखना तो भी वो काम हो सकता है उनके लिए। बट जो भी शुरुआत कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि एक्सपेरिमेंट बहुत हो जाता है, जो भी एक लर्निंग कर्व है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो खुद से जब ट्रायल एंड एरर कर करके जब सीखते हैं तो टाइम बहुत लगता है। और एक प्रॉब्लम ये है, वो एक स्ट्रक्चर नहीं रहता है। अब रैंडमली चीज़ें सीखोगे तो उसमें जो है एग्जैक्ट एक आउटकम या एक रिजल्ट लाना मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट एक ही प्रॉब्लम है, उधर एक स्ट्रक्चर्ड फ्लो नहीं रहता है, एक प्रॉपर डिफाइंड आउटकम नहीं रहता है और लर्निंग कर्व जो है वो बहुत लंबा हो जाता है। लर्निंग कर्व मतलब जो टाइम है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो वो एक ड्रॉबैक है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आपको एक ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड एक फ्लो और एक लर्निंग जो लेसन्स है और एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड मेंटोर या एक टीचर से आपको चाहिए, जिससे आपका जो लर्निंग जर्नी है बहुत ही आसान हो जाए, फिर मेरी तरफ से आपके लिए कुछ बहुत ही खास चीज़ तैयार है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरे 100 डेज मल्टीमीडिया मास्टरी क्लास के लिए, जिसमें मैंने मेरे सारे एक्सपीरियंस को एकजुट करके बहुत ही एक सिंपल सरल तरीके से मटेरियल बनाया है। इधर आपको इन डेप्थ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने मिलेगा और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंडर एग्जैक्ट प्रोसेस की एक शुरुआत कैसे करनी है, रिक्वायरमेंट कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए कंटेंट कैसे बनाना है, कैनवा, फोटोशॉप और ये नए जो भी AI बेस्ड टूल्स है उसको यूटिलाइजेशन कैसे करना है, कब कौन सा टूल यूज करना है, वो सब कुछ मैंने इसमें बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से सिखाया है, ताकि अल्टीमेटली आप जब काम करना शुरू करें आप बहुत ही सुंदर डिजाइंस बना पाए और एग्जैक्टली जो क्लाइंट या फिर आपके जो बॉस है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना पाए और जल्दी बना पाए। आजकल की दुनिया में सिर्फ उन्हीं के लिए जगह है जो जल्दी काम कर पाए। आपको ग्राफिक डिजाइन सभी तरीके से, जो भी मैंने अपने वेबसाइट में एक्सप्लेन किया था, वो सारे कैटेगरीज और कहीं उससे ज्यादा जो भी कैटेगरीज में अलग अलग तरीके के ग्राफिक डिजाइन है वो कैसे बनाना है वो आपको सीखने मिलेगा। साथ ही साथ सपोर्टिंग स्किल्स, आजकल की दुनिया में अगर आप बोलेंगे कि मुझे सिर्फ फोटोशॉप आता है, मुझे सिर्फ ये टूल आता है, मुझे सिर्फ वो टूल आता है, उनके लिए बहुत ही कम जगह है। एक्चुअल जगह उनके लिए है जो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है, जो किसी एक क्लाइंट को या एक अपने जिस जॉब में आप काम करोगे आप बोल पाओगे कि सर आप मुझे काम दो, मैं सोल्यूशन लेकर आऊँगा। ऐसे लोगों के लिए हाई पेइंग जॉब भी है और उनका ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो ये एग्जैक्टली कैसे करना है वो मैंने सिखाया है। तो मेरे हिसाब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ साथ एक कंटेंट, जो भी स्क्रिप्ट है या जो भी एक लाइंस है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो ग्राफिक डिज़ाइन जब हम बनाते हैं, एक पोस्टर या एक फ्लायर एक एग्जांपल के तौर पर, तो ये एग्जैक्टली जो मटीरियल है ये सारे जो भी डिजाइन्स हैं, तो यहाँ इधर एग्जैक्टली लिखना क्या है। इमेजिन कीजिए आपको सिर्फ डिजाइनिंग आता है बट कंटेंट नहीं आता है,
तो किसी और पे अगर आप डिपेंड होकर अगर बैठोगे तो आप, वो कंपनी सोचेगी कि अरे यार हर बार कंटेंट के लिए ये पूछते रहता है तो ये डिपेंडेबल पर्सन नहीं है। तो अगर आप बोलोगे सर आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ रिक्वायरमेंट दो, मैं कंटेंट भी बनाऊंगा, ग्राफिक डिजाइन भी बनाऊंगा, उसको पोस्ट करना है तो वो भी कर दूंगा, तो बेसिकली एंड टू एंड अगर सोल्यूशन दोगे तो आपका हाई डिमांड होगा। तो कंटेंट कैसे बनाना है, छोटे छोटे वीडियोस कैसे बनाना है, उसको एडिट कैसे करना है, सोशल मीडिया एक ब्रांड का कैसे उसका उनका जो भी कंटेंट है उनके जो ब्रांड पेजेस पे उसको एक कैलेंडर जैसे पूरा थ्रू आउट द मंथ कैसे उसको प्लान करना है, उसका कंटेंट क्या रहेगा, किस दिन कौन सा पोस्ट जाएगा, चाहे क्या वो ग्राफिक डिज़ाइन रहेगा या क्या वो वीडियो रहेगा, उसको पोस्ट कैसे करना है, वो पोस्ट करने के बाद लोगों तक पहुँचा के एक उसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ानी है, सारा चीज़ जो है मैंने कवर किया है क्योंकि मैं आपको एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर बनाना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मार्केट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब कुछ साल पहले प्रॉब्लम ये होता था कि सिचुएशन ऐसी थी कि कंपनीज उन्हीं को हायर करते थे जिनका कोई एक स्पेसिफिक टूल हो, जैसे उनको फोटोशॉप एक टूल है, एक कोरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर है और एक आफ्टर इफेक्ट्स एक एनिमेशन बनाने वाला टूल है, तो एक टूल बेसिस पे हायर करते थे। आज भी है बट एक वो एक मार्केट जो है बहुत ही कम होते जा रहा है क्योंकि आज मार्केट बहुत ही बड़े चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा है और उस टाइम पर इंटरनेट स्पीड और अवेलेबिलिटी उतना हाई नहीं था जितना आज है। तो जिसको एक पर्टिकुलर टूल आता था उसी के बेसिस पर उनका काम चल जाता था, उनको जॉब मिल जाती थी। बट आज जो है एक कंपनी को सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए वो है अटेंशन। अगर एक छोटे बिजनेस को या एक मीडियम बिजनेस या एक बड़े बिजनेस को सबका प्रॉब्लम यही है कि अटेंशन, जितना ज़्यादा लोगों तक उनका अटेंशन जाएगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि उनका बिजनेस ग्रो होगा। तो आपको एज अ डिज़ाइनर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे एक टूल आता है मुझे उसका काम दो, आप एज अ डिज़ाइनर आप पूरे एक ऑलराउंड अगर सोल्यूशन देने की तैयारी के साथ जाओगे, हो सकता है आप डिज़ाइनिंग पर ही फोकस करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट आप प्रॉपरली सभी का नॉलेज लेकर जाते हो तो उनको भरोसा होगा कि चलो एक इंसान हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा या देगी। तो अटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए उनको कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, ग्रुप्स पे अच्छे अच्छे क्रिएटिव जो मैसेजेस है, ऑफर्स है, वो पोस्ट करना पड़ता है, अपने सक्सेस स्टोरीज को लोगों को दिखाना पड़ता है जिसकी वजह से उन लोगों में उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। तो बट प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए उनको एक अलग कंटेंट राइटर, मतलब जो मैटर लिखने वाला है वो, या फिर एक वीडियो बनाने वाला, या फिर एक ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया जो स्पेशलिस्ट है, सबको अलग 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 हायर करेंगे तो उनका उतना खर्चा बढ़ जाएगा, उतने सिस्टम्स चाहिए, उतनी जगह चाहिए, उतने सैलरीज चाहिए। तो आजकल जो है कंपनीज ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो एक पर्सन, एक इंसान जो सारे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक साथ हैंडल करे उनका सबसे ज़्यादा नीड है। तो एक सबसे और एक बड़ा चेंज जो आजकल की मार्केट में आया है वो है, पहले एक टीम लीडर होते थे जो कैंडिडेट्स को बताते चलो आज ये डिज़ाइन बनाना है, आज इस डिज़ाइन का ये कलर चेंज करो, इस कलर नहीं ये फॉन्ट चेंज करो, या इसका साइज़ बड़ा करो छोटा करो। तो ये जो डिज़ाइनर रहता था वो बैठ के सिर्फ अपना हाथ चलाता था, ओके। बट वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियाँ अफोर्ड कर पाते, बड़े टीम्स, उसमें टीम लीडर एक बड़े हायरार्की रहते हैं, बट एक जो बहुत ही बड़ा मार्केट है उसमें इंडिविजुअल डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है जिसमें कंपनी उनको नहीं बताएगी, वो एज अ क्रिएटिव एक्सपर्ट कंपनी को बताएगी सर हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे तो हमको बेटर आउटपुट मिलेगा, हम ये करेंगे तो कम खर्चे में हमारा काम हो जाएगा। तो सिर्फ अभी ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं है, हमको बेटर सोल्यूशन प्रोवाइडर की ज़रूरत है आजकल के मार्केट में। तो उस टाइम पर बहुत ही लिमिटेड टूल्स थे बट आज बहुत डे टू डे, मंथ, एवरी मंथ, एवरी वीक नए नए टूल्स आते रहते हैं जिसको हमको कंटिन्यूसली सीखने का भी ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसा एक इंसान जो कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड भी कर रहा है उसका बहुत मार्केट में नीड है। तो इसका यही मतलब है कि एक क्रिएटिव पर्सन जिसको एक राइट मार्केटिंग माइंडसेट हो,
कि हाँ सामने वालों का या एक क्लाइंट का या एक जो मुझे जॉब देने वाले हैं उनका प्रॉब्लम क्या है और क्या मैं अपने क्रिएटिविटी से उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। इस माइंडसेट से जो जाता है और विद सही पोर्टफोलियो सही अंडरस्टैंडिंग के साथ जाता है और जो फास्ट रिजल्ट्स डिलीवर कर पाता है उनके लिए बहुत ही हाई डिमांड है। सो मल्टीमीडिया मास्टरी जो स्कूल ऑफ पैशन का क्लासेस है इसको डिफरेंट दूसरों से ये डिफरेंट कैसा है ये सवाल आपके माइंड में आया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्या करता है डायरेक्टली आपको जो डिज़ाइनिंग नहीं सिखाता है उसी से शुरुआत नहीं करता है, वो शुरुआत करता है एंड से, एंड इन माइंड, मतलब जो एंड गोल है वो पहले सेट करवाता है कि एंड गोल एक इंडिविजुअल का क्या है। देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ये होता था कि सबको एक साथ डाल दिया जाता था, उनका अपना पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सब कुछ भी एनालाइज नहीं करते थे, सबको एक ही रेस में लगा देते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि कोई एक फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाए और बाकी सब लोग जो है उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी और उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता था। इधर क्रिएटिव फील्ड में भी मैंने क्या किया है, इसको जब मैं सिखाता हूँ मैं सबको सेम तरीके से नहीं सिखाता हूँ, मैंने मेरे पास मटेरियल्स ऑलरेडी मैं अवेलेबल करता हूँ, बट मैं उनको फर्स्ट एनकरेज करता हूँ कि अपना इंडिविजुअल गोल सेट करो। आपका अगर स्ट्रेंथ कंटेंट में है तो वो आपका प्राइमरी स्किल बनाओ, अगर आपका स्ट्रेंथ आर्ट में है तो आपका डिजिटल आर्ट में बनाओ, अगर आपका स्ट्रेंथ जो वेब के साइड में है तो उसके साइड, अगर वीडियोस में है तो एक प्राइमरी स्ट्रेंथ क्या है और आपका सेकेंडरी स्ट्रेंथ क्या है आप वो एनालाइज करके फिर उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो उसके हिसाब से एक माइलस्टोन या फिर एक गोल सेट कर सकते हैं। तो शुरुआत में ही माइंड क्लियर हो जाएगा कि चलो हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ है और इसके हिसाब से ये मेरे जो गोल्स रहेंगे और इसके हिसाब से मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा और उस पोर्टफोलियो के हिसाब जो बनने के बाद मैं जाके कंपनीज में जॉब अप्लाई करूंगा। तो जो है एंड फाइनल गोल को माइंड में रखकर ही हम अपना काम शुरू करेंगे, इससे क्या हो जाएगा चांसेस आपके सक्सेसफुल होना वो बढ़ जाएगा। किस तरीके से आपको डिफरेंट ट्रेनिंग मिलेगी इधर कंपेयर टू जो दूसरे ऑप्शंस आपको आपके पास हो सकते हैं, एक तो आपका नॉट ओनली डिजाइनिंग स्किल्स बट एक मार्केटिंग माइंडसेट, बिकॉज आजकल की दुनिया में एक डिज़ाइनर जो है वो अपने लिए डिज़ाइनिंग नहीं करता है, वो डिज़ाइंस बनाता है दूसरों के लिए जो फाइनली दूसरे लोग देखेंगे। तो आप किसी एक ब्रांड के लिए किसी एक प्रोफेशनल के लिए बनाते हैं ना, तो एक मार्केटिंग माइंडसेट रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो डिज़ाइंस है किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा टूल यूज़ करना है जिसकी वजह से कम कॉस्ट में आप हाइएस्ट या फास्टेस्ट डिज़ाइन सोल्यूशन दे पाएंगे वो आपको तैयारी मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप एक एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर बनेंगे, आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे सिर्फ यही आता है मुझे वही आता है, आपको एक पूरी प्रोसेस का नॉलेज मिलेगा। उसके साथ साथ आप कोई एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन या कोई डिटेल में जो चीज़ आपको पसंद है वो आप उसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एज अ प्रोफेशनल आपको पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइडर बनने का एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी। तो और साथ ही साथ एक इक्वल वेटेज कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, जनरली क्या होता है एक कोई सर्टिफिकेशन कोर्स रहता है या कोई क्रिएटिव कोर्स रहता है या कोई क्लासेस रहते हैं जिसमें आप जाके कोई नया स्किल सीखते हो, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होती है कि एग्जैक्टली हाँ आज मैं जॉब में से कितना कमा सकता हूँ, एग्जैक्टली मुझे कितना मिलेगा, कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा तो मुझे बेटर पे मिलेगी। बिकॉज देखिए जो क्रिएटिव काम करने से सेटिस्फैक्शन तो बहुत मिलती है, बट जो सेटिस्फैक्शन के साथ साथ अगर फाइनेंशियल रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं तो उससे एक बेटर लाइफ होगी जिससे आप और आपके फैमिली दोनों खुश होंगे। तो एक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी होना साथ में ज़रूरी है। तो उसमें मैंने ये भी कवर किया है कि कैसे एक सही जॉब मिले, कैसे फ्रीलांसिंग करें, उनको चार्ज कैसे करना है, वो जो भी आप शुरू करेंगे उसको आप स्केल अप कैसे करना है, एक क्लाइंट से दो कैसे करना है, दो से चार कैसे करना है, तो वो सारा अंडरस्टैंडिंग भी मैंने इसमें दे दी है। तो ये उनके लिए आपको मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ, उनके लिए नहीं है जो ये हॉबी के तौर पर करना चाहते हैं, वो तो आप यूट्यूब से ही कर सकते हैं।
जिसको करियर बिल्ड करना है, वो भी सक्सेसफुल करियर बनाना है, ये उनके लिए ही है। तो अगर आप सीरियस हो तो ही ये करना आपके लिए सूटेबल रहेगा, और एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी, और एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि मैं वो काम करता हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। तो ये उनके लिए जो जिनके पास क्लैरिटी है, तो ये उनके लिए जो क्रिएटिव है, जो पैशनेट है, बहुत सीरियस है अपने काम के प्रति, जो हार्ड वर्क करना चाहते हैं और स्मार्ट वर्क के लिए भी अपना माइंड ओपन रखते हैं ताकि एक काम मैं बेहतर तरीके से कैसे कर पाऊँ, और जो एक प्रोसेस में बिलीव करते हैं और जो बीच रास्ते में छोड़ते नहीं हैं, जो कंटिन्यूसली जो भी एक प्रोसेस है वो फॉलो करते हैं, और जब तक अपना गोल अचीव ना हो वो छोड़ते नहीं हैं और गोल अचीव करके ही रहते हैं, ये उनके लिए है। और आज सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि लाखों बिजनेसेस एवरी ईयर हर साल रजिस्टर होते रहते हैं, तो उनको तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना कि मार्केटिंग करना है। तो वो जब तक अच्छी तरीके से क्रिएटिव तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो उनको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। तो सोचिए, उसका एक सबसे छोटा परसेंट भी अगर आप टारगेट करेंगे तो भी अगर आपको बहुत सारा इनकम हो सकता है, या फिर उनके पास आप जॉब में जा सकते हो। उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है वो तो ऑलरेडी एक बेटर टैलेंट की सर्च में हमेशा रहते ही हैं। तो ये मार्केट बहुत बड़ा है, जितना मार्केट नए बिजनेसेस आ रहे हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस बेटर क्रिएटिव टैलेंट को ढूंढ रहे हैं, उतना बड़ा ये मार्केट है ना। तो एक मिसकंसेप्शन है अपने फील्ड में कि जो भी सक्सेसफुल डिज़ाइनर्स है या इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं तो उनको कन्वेंशनल तरीके से कॉलेज वॉलेज जाकर ही एजुकेशन अगर करेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ऐसा एक मिसकंसेप्शन है। या फिर एक बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर ही अगर कुछ करेंगे तो मिलेगा, बट आज मार्केट चेंज हो चुका है, इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, रियलिटी एक्चुअली डिफरेंट है। तो ये जो भी क्रिएटिव इंडस्ट्री है, इसमें क्रिएटिव इंडस्ट्री का मतलब ये है कि नॉट ओनली जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, ऐसे नहीं, सारे पहले क्या होता था कि एक कंपनी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के पास जाती थी ये सब काम करवाने के लिए। आजकल कंपनीज डायरेक्टली फ्रीलांसर्स को लेते हैं या लोगों को हायर करते हैं इन हाउस, अपने कंपनी के अंदर ही लोगों को लेते हैं ये सब कुछ मैनेज करने के लिए। तो इतना ये इंडस्ट्री चेंज हो चुका है। तो जिस किसी के पास प्रैक्टिकल वर्क दिखाने के लिए है, जैसे मैंने अपना वेबसाइट बनाकर उसमें जैसे पूरा अपना एक केस स्टडीज एक्सप्लेन किया है, होम पेज पर अगर आप जाएंगे ना तो एक केस स्टडी एक्सप्लेन, तो ये सारा मेरा पोर्टफोलियो तो है ही, फिर एक केस स्टडी दिखा के उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये केस स्टडीज़ में क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट आया था और क्या मैंने डिलीवर किया, तो ऐसे एग्जांपल्स दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनको कन्विंस होता है। तो ये भी मैं उसमें सिखाता हूँ, ओके, अपने क्लासेस में। तो जो सारे ज़्यादातर सक्सेसफुल डिज़ाइनर्स या मल्टीमीडिया आर्टिस्ट्स हैं, उन्होंने सेल्फ लर्निंग, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी कंपनी के साथ, जब वो सीख रहे हैं तभी इंटर्नशिप करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो, मतलब अपने एग्जाम अपने अच्छे काम का एक कलेक्शन बना के जो रेडी रखते हैं, इरिस्पेक्ट उनका डिग्री क्या है, सर्टिफिकेट है या नहीं, सिर्फ उनके काम देख कर उनको ये इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको देखना होगा कि मैं कौन हूँ जो मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ, मेरा कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं, वो भी आपको चेक करना होगा, बहुत ज़रूरी है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैं रोश हूँ और मैं नॉर्थ कर्नाटका का फर्स्ट एनिमेशन स्टूडियो शुरू की थी एट द एज ऑफ 22, जिसका नाम था आर्ट शास्त्रा स्टूडियोज। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने इसको एक 10 ईयर्स तक रन किया था। तो इससे मुझे एक स्क्रैच से कंपनी कैसे शुरू करना है, एक नए मार्केट में कैसे करना है, इसको बिल्ड कैसे करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर करना है फ्रॉम बोथ लोकली एंड ओवरसीज, तो एक कंप्लीट ऑलराउंड एक्सपीरियंस, इससे मुझे बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस मिला। 12+ ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है जिसमें मैं एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, जो डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया और मार्केटिंग, वो सारा एक्सपीरियंस गेन किया। तो स्टार्टअप्स, फॉर्च्यून 500 और गवर्नमेंट एजेंसीज सभी को, इन इंडिया और इंडिया के बाहर भी,
सभी को मैंने केटर करके एक्सपीरियंस गेन किया और मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल शेपर्स एक कम्युनिटी है उसका अलुमनाई रह चुका हूँ। बहुत ही एक लिमिटेड और चोजन कम्युनिटी रहती है जिसमें वो क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे लोगों को सेलेक्ट करती है। इस कम्युनिटी के साथ मैं देख पाया कि कैसे बिजनेस लीडर्स और यंग लोग अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना मिला। तो ये भी एक प्लस पॉइंट मिला, जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ तो मैं उन एक्सपीरियंसेस को भी शेयर कर पाता हूँ जिससे उनको बेटर क्लैरिटी मिले। और मैंने खुद बैठ के क्लाइंट्स को भी डिलीवर किया है प्रोजेक्ट्स और एज अ टीम भी, एक टीम मैनेज करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी किया है, तो वो भी एक्सपीरियंस गेन किया है। और साथ ही साथ कॉलेजेस जाके मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, मेरा अपना जो ऐप और ऑनलाइन क्लासेस है वो भी किया है, तो एक ऑलराउंड पहले एक्सपीरियंस गेन किया है और जो भी मैंने मुश्किल तरीके से जो सीखा था, जो भी स्ट्रगल करके, वो मैंने आसानी से डायरेक्टली पास ऑन किया है मेरे स्टूडेंट्स को ताकि उनका लर्निंग जर्नी आसान हो सके। और अब मैं खुद एक डिज़ाइनर रह चुका हूँ, खुद ही एक कंपनी भी रन किया और मैं लोगों को हायर भी करता था, तो मैं एक रिक्रूटर्स या एक जॉब के लिए जो लोग ढूंढते हैं, जो एक रिक्रूटर रहता है उनका भी प्रॉब्लम है वो समझता हूँ, और एक स्टूडेंट जो सीख रहा है और उनको जो चैलेंजेस आती है जब वो काम ढूंढते हैं वो भी मैं समझ चुका हूँ। तो ये सारा कॉम्बिनेशन, सबका जो फ़ायदा हो उसके जो सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये क्लासेस शुरू की है। और अगर मेरा पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो आप rossideations.com को भी जा सकते हैं या फिर ये QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो मेरे शुरुआत हुआ था जब मैं बचपन से ही मेरा इसके लिए मेरा पैशन था, क्रिएटिव आर्ट के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, मिनिएचर आर्ट के लिए। ये देखिए स्टेगोसॉरस है, डायनासोर का जो सब कुछ हैंडमेड है, ये सारा चीज़ जो है मेरा कॉलेज का बिल्डिंग है और सब कुछ हैंडमेड है। ये थोड़े पिक्चर्स जो मेरे पास है मैं आपको दिखाना चाहता था कि शुरुआत मेरे बचपन से हो गई थी, फिर मैं उसको बिल्ड करते करते फिर मैं एनिमेशन इंडस्ट्री में आ गया, फिर उधर मेरा एजुकेशन हो गया, BCA में मैं मेरा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में मैंने कर्नाटका यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से किया जिसमें मैं प्रोग्रामिंग वो सब कुछ सीखा था, और एनिमेशन एजुकेशन मेरा एंड्स इंस्टीट्यूट से हुआ था। तो बचपन से ही था, फिर मैं एनिमेशन की तरफ गया ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूं इस फील्ड में। तो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस कंपाइल करके कैसे बेटर क्रिएटिव टैलेंट लाना है आजकल के यूथ में से, उनका क्रिएटिव टैलेंट एक्सप्लोर करना है बेटर और सिंपल और ट्रांसपेरेंट तरीके से, कैसे मैं डिज़ाइन एजुकेशन को ज़्यादा अफोर्डेबल कर पाऊँ, ज़्यादा सिंपल कर पाऊँ, इसीलिए मैंने स्कूल ऑफ पैशन शुरू किया था। और इसको अपना जो डिज़ाइन फील्ड है उसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल करूँ सोसाइटी में, करवा पाऊँ, ताकि जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉ है, ये एक एक्सेप्टेबल प्रोफेशंस है। बट आर्ट फील्ड में लोग ज़रा डरते हैं कि इसमें सिक्योरिटी है या नहीं है, बट आजकल दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, बिकॉज इंटरनेट इतना एडवांस्ड हो चुका है तो कंपनीज को इस पर डिपेंडेंसी कम्प्लीटली बैठ चुकी है, जिसकी वजह से अच्छे और रिलायबल क्रिएटिव डिज़ाइनर्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो इस फील्ड में लोग उतने ही कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं जितने कॉन्फिडेंस से दूसरे प्रोफेशन से या दूसरे फील्ड में जाते हैं। तो मैं वो एक्सेप्टेबिलिटी बहुत स्टूडेंट्स के एंड में, उनके पेरेंट्स के एंड में भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करने के मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो शुरुआत में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर 25,000 से 50,000 रुपए का सैलरी अगर आप किसी जॉब में जाने के लिए ट्राई करते हो तो वो अच्छे अच्छे डिज़ाइन पोर्टफोलियो से आप कर सकते हैं। जॉब और फ्रीलांसिंग अगर आप करते हो तो दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको ये इनकम आता है। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये मैं ऑनलाइन स्टडी से भी कर चुका हूँ और आप मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी कर चुका हूँ, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स सीखे हैं उनका जो भी अर्निंग है उससे भी, ये सारा मैंने अपने पूरा एक स्टडी करके एक नंबर पे आया हूँ कि आप जॉब और फ्रीलांसिंग के साथ में या सिर्फ जॉब करके या दोनों कॉम्बिनेशन करके, प्रोवाइडेड आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके और स्मार्ट वर्क दोनों के कॉम्बिनेशन से ये गोल अचीव कर सकते हैं। एक्चुअली नंबर्स इससे बहुत ज़्यादा है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स ना दूँ, ओके, आपको रियलिस्टिक पिक्चर दूँ
आप शुरुआत करें, अच्छी तरीके से मेहनत करें, मैं आपकी मदद भी करूँगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें और मुझे गुड न्यूज़ दें, तो ना कि मैं आपको बड़ी बड़ी नंबर्स प्रॉमिस करूँ और अगर वो ना हो पाए तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो हम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन रखेंगे माइंड में और मेहनत बहुत करेंगे ताकि हम कमा तो बहुत ही ज़्यादा, इससे कहीं ज़्यादा कर पाए। ओके, मैं आपको चाहता हूँ कि आप खुद एक्सपीरियंस करें इसको। तो और थोड़ा डिटेल्स है इन क्लासेस के बारे में, ये ऑनलाइन रहेगी, मेरे ऐप पे रहेगा, मेरे अपने ऐप पे लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। जो भी वीकली लाइव क्लासेस रहेंगे वो आप अटेंड कर पाएंगे, क्वेरी सॉल्व कर पाएंगे। जो भी क्लासेस है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं ऐप में, तो वो आप फिर से देख सकते हैं। जो अगर आपको कोई क्वेरी है तो ऐप के चैट में आके मुझे पूछ सकते हैं, तो पर्सनली मैं आपको एड्रेस भी करूँगा ताकि आपके अपने प्रॉब्लम्स या क्वेरीज को मैं उधर सॉल्व भी कर पाऊँगा। एंड उसके साथ साथ जो भी और फैसिलिटीज़ हैं आप खुद आकर खुद एक्सपीरियंस कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बेहतर क्या है, इसको और बेटर कैसे हम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा टाइम और पैसों के बारे में। यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और टाइम। ओके, इसको मैक्सिमम पॉसिबल तरीके से अफोर्डेबल करने की मैंने कोशिश की है। तो जो भी रिजल्ट है वो आप 3 to 6 months के बीच में ही देख पाएंगे, प्रोवाइडेड आप जो भी मैंने प्रोसेस दिया है और एक अच्छी सही शिद्दत से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। इसकी फी है 9999, और ये एक्चुअली जो ऑफलाइन क्लासेस रहते हैं और जो इन डेप्थ, इतना ये जो कॉम्बिनेशन है ऑफलाइन क्लासेस हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस हो, जनरली जब आप मार्केट में देते हो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो बिकॉज मैंने इसको अपने ऐप पे लॉन्च किया है, मैं और मैं ज़्यादातर लोगों तक रीच होना चाहता हूँ, ज़्यादातर जॉब्स क्रिएट करना चाहता हूँ, ज़्यादातर टैलेंट्स डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैंने उसको एक अफोर्डेबिलिटी रेंज में ही रख दिया है। एंड पोटेंशियल तो मैंने आपको बताया ही है, अगर आप एक्चुअली बहुत ही सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, और जो कि मुझे यकीन है आप करोगे, तो इसका पोटेंशियल ये है कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 10 times आप पर मंथ ही कमा पाओगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीलांस एज वेल एज जॉब। ओके, तो आपको बस मेहनत करनी है एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ताकि हम अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करके अच्छे कंपनी के साथ वर्क कर पाएंगे। तो मैं जितना पॉसिबल है मैंने कोशिश की है कि आपको एक ऑनेस्ट पिक्चर दूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका बहुत अच्छा बेनिफिट उठाएं। तो एक समरी में मैं बताना चाहूँगा कि 100 days लगेंगे, दैट इज 3 months अप्रॉक्स फॉर लर्निंग। इसमें आपका लर्निंग ख़त्म हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, जो हम सीखते हैं बट इन रियल टाइम जो काम करना होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अभी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना आपको आता है, एक सोशल मीडिया का डिज़ाइन हो या एक कैरिकेचर हो या जो भी एक अच्छा डिज़ाइन है, वो प्रैक्टिस करते वक्त अलग रहता है। बट जब आप एक्चुअली एक कंपनी के साथ काम करते हो तब क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना रहता है, उसका जो एक टाइमलाइन रहता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना रहता है, वो क्रिएट करके उनको देना रहता है, फिर वो चेंजेस बोलेंगे, वो चेंजेस करके फिर उनको देना रहता है। वो एक जो कम्प्लीट एक्सपीरियंस है वो जो आपको मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो लर्निंग अलग है, तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं आपको किसी एक कंपनी के साथ कनेक्ट करूँगा जिनके साथ आप 100 days के लिए काम करेंगे, और आप जो भी आपने इधर सीखा है वो इधर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ध्यान रखिए, ये जो उनके साथ आप रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, ये आप अपने रिज्यूमे में और अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, और आप जो जॉब प्रोवाइडर है उनको कन्विंस कर सकते हैं कि देखिए मैंने तो पढ़ाई तो की है, मेरे पास अच्छा पोर्टफोलियो भी है, और साथ ही साथ मैंने एक कंपनी के साथ इंटर्नशिप भी की है जिसकी वजह से मैंने ये XYZ एक्सपीरियंस गेन किया है और उधर मैंने ये सब कुछ सीखा। तो वो आपको फ्रेशर भी कंसिडर नहीं करेंगे, तो आप बता पाएंगे कि मैंने रियल टाइम काम भी किया है, तो इसके बेसिस पे आप अच्छा जॉब भी डिमांड कर पाएंगे जिसकी वजह से मैंने ये 100+100 days का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो इमेजिन कीजिए कितना इंटरेस्टिंग होगा अगर आप ऐसा एक काम करेंगे जो कि क्रिएटिव है, जो आपको काम करने बहुत पसंद है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत डिमांड में है, जिसके लिए कोई बुक से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, और लास्ट में आपको उससे पैसा भी कमाने मिलेगा।
तो कितना मजा आएगा। ध्यान रखिए आपको आर्टिस्टिक रहने की जरूरत नहीं है, अगर आप आर्टिस्टिक हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी जस्ट इफ यू कैन थिंक क्रिएटिवली काफी है, आप सही टूल्स यूटिलाइज करके सही आउटपुट निकाल सकते हो। और मुझे यकीन है नेचुरली हम सब क्रिएटिव रहते ही है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है। तो अगर आप रेडी है एक नया स्किल सीखने के लिए जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स में सिखाया गया है और बहुत डिमांड में है मार्केट में, और अगर आप रेडी हो एक अर्निंग करने के लिए जॉब और फ्रीलांसिंग से, हो सकता है वर्क फ्रॉम होम जॉब भी ढूंढ सके अगर आप उसके लिए रेडी हो, अगर आप रेडी हो सही एफर्ट्स डालने के लिए सही गाइडेंस से, तो आप इमीडिएटली एनरोल कीजिए मेरे इस मल्टीमीडिया मास्टरी क्लासेस में, जिसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग साथ ही साथ उसकी सपोर्टिंग स्किल्स लाइक वीडियो मेकिंग, सोशल मीडिया स्किल्स करने मिलेंगे, सीखने मिलेंगे, और आपका करियर किक स्टार्ट होगा, जिसका आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही हाई डिमांड है और मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया है। आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पर लिंक्डइन में जाकर देख सकते हो, वैसे दूसरे और पोर्टल्स हैं, नौकरी पोर्टल है, अलग 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 पोर्टल्स है जहाँ पर एक्चुअली आजकल के दुनिया में कितना नीड है इस फील्ड का, अलग अलग कीवर्ड्स डाल के आप देख सकते हो। मैं एक एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन, ओके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप linkedin.com में जाके सर्च करते हो तो आप देख सकते हो कि फिल्टर कीजिए जॉब्स, ओके, तो जॉब्स इन इंडिया आज के तारीख में जब मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो 14,666 जॉब्स है, ओके, सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन। अगर आप दूसरे कीवर्ड्स यूज़ करते हो तो आपको और दूसरे एक्सपीरियंसेस या दूसरे ओपनिंग्स का डिटेल्स मिलेगा। इमेजिन कीजिए इसमें फिल्टर करके मैं सिर्फ एंट्री लेवल मतलब फ्रेशर्स के लिए जो जॉब है वो शॉर्टलिस्ट करता हूँ तो 5,370 जॉब्स इन इंडिया है। फिर इंडिया के बाहर तो और होंगे जो कि आप इधर से ही डिलीवर कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको शॉर्टलिस्ट करना चाहते हो सिर्फ रिमोट जॉब्स जो कि वर्क फ्रॉम होम है, ओके, तो वो भी 171 जॉब्स आज के तारीख में है, 171 वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है फ्रेशर्स के लिए, वो भी इंडिया में। तो इमेजिन कीजिए आप बाकी सारे कॉम्बिनेशन जब आप सर्च करके देखेंगे तो आपको कितना बड़ा मार्केट है। तो साथ में अगर आप फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करेंगे तो उसके लिए फिर अलग ही मतलब जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे यही तो मैं सब कुछ सिखाऊंगा कि ढूंढना कैसे है, मार्केट कैसा है, नीड कैसा है, जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग कैसे करना है, उसमें से ज़्यादा पैसे कैसे कमाना है, वो सारा क्लैरिटी मैंने बहुत ही नीटली दे दिया है, ओके। तो ये सारा क्लैरिटी दे दिया, फिर भी आपको अगर डाउट है तो कभी भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको और बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। तो ये जो मल्टीमीडिया मास्टरी क्लासेस स्कूल ऑफ पैशन का है, ये आपके पैशन को प्रोफेशन में बदलने में हेल्प करेगा, बहुत ही मिनिमल रिस्क है और जो भी रिस्क से कवर्ड है क्योंकि वो सारा नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आपको सक्सेस अच्छे से और जल्दी से मिले सही मेहनत के बाद। तो एनरोल करने के लिए आप लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इस QR कोड को स्कैन कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और मेरे साथ चैट कीजिए, मैं आपको और इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे पाऊँगा। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मल्टीमीडिया मास्टरी में एनरोल करेंगे और मैं वेट करूँगा आपके लिए और हम एक बढ़िया नए शुरुआत के लिए हम वेट करेंगे, ठीक है। आई विल सी यू देयर ऑन द ऐप, टेक केयर।